देखिए मैं बनाने जा रही हूँ आज इफ्तार में छोला। तो जो मैंने भोर में जब मैं सैर के लिए उठी थी तो उसी वक्त मैंने मटर को धो के इसको भिगो दिया था। तो अब मैं इसमें थोड़ा नमक, मटर तो बॉयल करनी पड़ेगी, सूखी मटर थी, नमक थोड़ा चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, जब मैं इसको बॉईल कर लूँगी उसके बाद से इसमें मसाला मैं डालूँगी, मतलब मिलाऊँगी। और ये आलू रखा है मैंने धो, जो आलू को मैंने कैपा ने धो लिया है, इसका छिलका नहीं उतारा है, लेकिन इसी में मैं बॉईल कर लूँगी छोले में। और मुझे बनाना है आलू की टिक्की। मैं लीड लगा कर रख दूंगी, 5-6 सीटी आने तक गल जाएगी मटर। और यहाँ है मेरी क्यूटी पाई आलू को, जो मैंने आलू उबाला था छोले में, वो उसका छिलका उतार रही है क्यूटी पाई। ये जब उठती हैं तो मेरे साथ चली आती हैं हेल्प करने के लिए। टिक्की बनाना है तो आलू को मैश कर लिया और इसमें डाला जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट, और ये इसमें जाएगी धनिये की पत्ती, चिली फ्लेक्स, इसमें थोड़ा सा जाएगा भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा जाएगा क्योंकि इसका बस को खुशबू लाना है। और ये खाने का टेस्ट नमक, इसको फिर अच्छे से मिला लेना है। और खाने का जायका सौंफ पाउडर, जिस खाने में सौंफ पड़ती है वो खाना बहुत अच्छा बहुत टेस्टी होता है। इसको अच्छे से मिला लेना है। अगर नमक कम लगेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि सब तो घर में रोज़ा है, नमक कम होगा तो भी चलेगा। और ये रही खजूर, जिससे हम लोग रोज़ा खोलेंगे। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ चटनी। ये है कच्ची कैरी, मिनी कच्ची कैरी ये है। और ये पुदीने, पुदीने की चटनी बनाऊँगी। ये ग्रीन चिली, मैंने इसको धो लिया है।
ये मिनी कैरी का छिलका तो उतारना पड़ेगा। ये ग्रीन चिली और ये मिनी कैरी और पुदीने को भी मैंने धो लिया है, तो इसको भी निकाल लेती हूँ। मुझे तो पुदीने की स्मेल पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत फ़ायदा करता है, पेट ठंडा रहता है इससे। मैं तो नहीं खाऊंगी। इसकी डंडी बहुत मोटी है, एकदम सूखी हुई। और ये थोड़ी सी अक्खा रेड चिली है, तो इसको मैंने सेक लिया था, सिर्फ ऐसे ही तवा मतलब रख के और इसको सेक लिया। इसमें चटनी में सोदापन आएगा। इसको मैं डाल देती हूँ बूंदी। और इसमें जाएगा थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा। और इसमें जाएगा ये चिली फ्लेक्स,
भुना हुआ जीरे का पाउडर, बारीक चॉप की प्याज, धनिया की पत्ती, और ये मैं तड़के वो उसमें रायते में थोड़ा सा तड़का लगा देती हूँ राई और सौंफ से। तो ये मैंने तेल लिया है सरसों का, क्योंकि सरसों के तेल से तड़का लगाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये डाला सरसों और ये थोड़ा सा सौंफ, ये देखिए जो राई और सौंफ का तड़का बनाया था रायते के लिए, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। तो आलू की टिक्की बनानी है मुझे, तो ये बेसन, मैं इसका बैटर तैयार कर लेती हूँ। बेसन, ये रहा बेसन, ये मैदा, और इसमें थोड़ा चावल का आटा जो कुरकुरापन आएगा, थोड़ा क्रिस्पी बनेगी टिक्की। इसमें जाएगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और इसमें जाएगा थोड़ा सा अखा जीरा, कसूरी मेथी, नमक, हल्दी पाउडर, और इसको कर लेना है मिक्स। और नॉर्मल पानी डाल के इसको मुझे इसका बैटर बना लेना है। और हाँ, एक चीज़ तो इसमें डालना ही, मैं वो भी डाल देती हूँ, ये ग्रीन चिली और गार्लिक का पेस्ट थोड़ा सा इसमें। चलिए अब मैं छान लेती हूँ, जैसे बैगनी और भिंडी की। तो इसके लिए मुझे बैटर बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने बैटर, थोड़ा पानी और जाएगा इसमें, चना। आज मैं बना रही हूँ सूखा चना,
और इधर गर्म हो रहा है तेल। और अब मैं छान रही हूँ ये आलू की टिक्की। ये जो बैटर बनाया है इसको लपेट के इसमें ये मैंने भिंडी डाली ऐसे ऐसे डिप करके इसमें। ये जो मैंने बैटर बनाया है इसमें ऐसे करके बस डाला, इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। और अब मैंने ये भिंडी को छान लिया और अब मैं ये ग्रीन चिली ये छान लेती हूँ। नहीं है मेरे ठंडा हो गया ऐसे बन गई। ये देखिए ग्रीन चिली को जो मैंने फ्राई किया था, अब इसमें मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ काला नमक। भिंडी पे भी तो अब बना लेती हूँ बैंगनी। चलिए अब चटनी को पीस लेते हैं। मैं ज़्यादा से बना रही हूँ कि कई दिन तक ये चलती रहेगी और ये ख़राब नहीं होगी। और मैंने नमक तो इसमें डाला नहीं था, तो चलिए नमक भी ले लेते हैं इसमें।
देखिए बन गई चटनी, बहुत यमी टेस्टी लग रही है देखने में। अब खाने में पता चलेगा कैसी बनी है। ये देखिए एक टाइट कंटेनर जार में मैंने इसको निकाल लिया, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा सरसों ऑयल। ये कितने दिन तक भी रहेगी, चटनी ख़राब नहीं होगी। और इसमें थोड़ा सा काला नमक, इसको मिला के जो मैंने मटर को बॉयल किया था, तो ये मटर बॉयल हो गई। अब मैं इसमें लगा देती हूँ, इसको फ्राई कर देती हूँ। ये देखिए ऑयल हो गया गर्म, तो सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ हींग। जब हींग क्रैकल होगा तो मैं इसमें डाल दूंगी कश्मीर गरम मसाला। और ये थोड़ी सी प्याज है, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। प्याज को मुझे थोड़ा ब्राउन करना है। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई, तो इसमें मैं डाल देती हूँ जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और ये टमाटर चॉप किया हुआ, इसकी मैंने जितनी भी पेस्ट थी निकाल दिया है। और इसमें जाएगा ये छोला मसाला, सॉफ्ट पाउडर, और अब मैं डालूंगी इसमें काला नमक, क्योंकि मैंने जब मटर को बॉईल किया था तो इसमें डाला था व्हाइट वाला नमक। एक मिनट थोड़ा सही करा दें, थोड़ा सही को दिखा दे तो थोड़ा वो लोग को दौरा करते एक साथ नहीं किया।
तो ये देखिए मसाला भून चुका है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये बॉइल हुए मटर। और ये है इमली और गुड़ जो मैंने भिगो के रखा था। एक उबाल आने पे मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ये बन रहा है शरबत, जिसके लिए चीनी मैंने चीनी को फुला दिया था। अच्छे से हो जाए, अब इसमें पड़ेगा नींबू, रूह अफ़ज़ा, और ये देखिए जो मैंने दिखाया था कि नींबू को टिश्यू पेपर में रख दीजिए तो ख़राब नहीं, तो ये एक महीने से ज़्यादा हो गया, देखिए नींबू इसमें ख़राब नहीं हुआ। जैसे नींबू है, ग्रीन चिली है, उसकी डंठी को तोड़ के ऐसे टिश्यू पेपर रख के ऐसे टाइट कंटेनर वाले, मतलब टाइट कंटेनर डब्बा हो तो उसमें ऐसे बनी हो जाएगा, टाइट कर लीजिए। देखिए अभी तक ये ख़राब नहीं हुआ। तो यहाँ मैं काट रही हूँ सैलेड, बिरयानी बन रही है तो सैलेड तो ज़रूरी है। ये रहा खीरा, मैं सैलेड को कट करूँगी ये सैलेड कटर में। गाजर, प्याज, तो यहाँ मैं फ्रूट कट कर लूँ। ये है पपीता, पपीता फ्रेंड को बहुत पसंद है, वाटरमेलन तो मिला नहीं, वाटरमेलन भी उनको बहुत पसंद है फ्रेंड को। और रोज़ा रह के खाना भी चाहिए वाटरमेलन, क्योंकि पानी की कमी नहीं होती है, दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है। पपीता में छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लूंगी।
एप्पल, को भी मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूंगी। और ये है ऑरेंज, इसको भी मुझे छोटा छोटा कट करना है। और ये है अंगूर, इफ्तार में अगर फ्रूट ना हो तो फिर इफ्तार करने का मतलब ही क्या है। इसको भी मैंने धो लिया, इसको भी इसमें और इस पे ये थोड़ा सा काला नमक, ब्लैक पेपर,